नमस्कार जनसत्ता के एंटरटेनमेंट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शादी के बाद पहली बार ईद मना रही है स्वरा भास्कर। उन्होंने ईद की बधाई अपने इंस्टाग्राम पर दी, जिसके बाद कुछ लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। देखिए क्या है पूरा मामला। स्वरा भास्कर ने कुछ महीने पहले ही सपा नेता फहद अहमद से शादी की थी, जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया। आज उनकी शादी के बाद की पहली ईद है और इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर सबको ईद मुबारकबाद दी है। जहां कुछ लोगों ने उन्हें ईद के लिए बधाई दी, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें ट्रोल करने में लग गए। आइए बताते हैं ये कैसे लोग हैं और इनके ट्रोल्स में क्या कहा जा रहा है। विकी मित्तल नाम के यूजर ने लिखा, धर्म परिवर्तन के बाद आपका तो पहला विशेष त्योहार है आज। एक यूजर ने लिखा, आज तो आपके भाईजान के भाई लोग नाच गा रहे होंगे। सुधीर कुमार ने लिखा, आज कोई ज्ञान नहीं है क्या मैडम की जानवरों को नुकसान मत करो, उन्हें काटो मत, या बोलने में डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारी ही ईद न मन जाए। इसके अलावा स्वरा ने इंस्टाग्राम पर ईद के चांद का एक वीडियो शेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, जैसे ही चांद नजर आया जश्न शुरू हो गया। बता दें कि स्वरा के पति फहद अहमद ने भी ईद की बधाई दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, इस साल रमजान ने मुझे एहसास करवाया कि सह अस्तित्व का विचार हमें बहुत कठिन अवधारणा के रूप में सिखाया जाता है। हालांकि ये मुश्किल नहीं है, हमें बस उन लोगों के प्रति सहानुभूति और दया की जरूरत है जो अलग अलग विचारों को मानते हैं। फहद के पोस्ट पर हिंदूवादी लोगों ने कई तरह के कमेंट्स किए हैं। किसी ने आतंकवादियों की तस्वीरें शेयर की तो किसी ने उनको हिंदी में लिखने की सलाह दी। शैलेश जैन ने लिखा, माफिया और गुंडे के लिए आंसू बहाने वालों को रमजान नहीं मनाना चाहिए। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर ने 6 जनवरी 2023 को फहद अहमद से मुंबई में ही शादी की थी। इस बात की जानकारी स्वरा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करके दी थी। वीडियो में स्वरा ने कोर्ट मैरिज के कागज और फहद संग कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी। किसी का भाई किसी की जान अब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। सलमान भाई की फिल्म पैसा वसूल है या पैसा वेस्ट, देखिए ये मूवी रिव्यू। ईद का मौका है और सलमान खान की फिल्म रिलीज हो रही हो तो सेलिब्रेट करना तो बनता है। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति जायसवाल और जनसत्ता पर आप देख रहे हैं किसी का भाई किसी की जान का मूवी रिव्यू। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि इस फिल्म के लिए आपको पैसे खर्च करने हैं या फिर नहीं। जब मैं सलमान खान की ये फिल्म देखने थिएटर गई तो सबसे ज्यादा शॉकिंग जो मुझे लगा वो था खाली थिएटर देखना। सलमान खान की बहुत सारी फिल्में मैंने थिएटर में देखी है, लेकिन इतना खाली थिएटर मैंने पहली बार देखा। तो क्या फिल्म इतनी बुरी है कि लोग इसे देखने नहीं आए? आइए आपको बताते हैं। किसी का भाई किसी की जान तमिल मूवी वीरम का हिंदी रिमेक है, जिसमें सलमान खान भाईजान के रोल में है, जिसका ना कोई नेम है और ना ही सरनेम। उसके तीन अनाज छोटे भाई हैं, जिनकी परवरिश के लिए वो शादी ना करने का फैसला करता है। सलमान खान के भाइयों के रोल में राघव जुयाल, सिद्धार्थ निगम और जस्सी गिल हैं, जिनके हिस्से थोड़ा बहुत एक्शन आया है। अब बात करते हैं फिल्म की लीड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े की। सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया जब आई थी, उस वक्त पूजा हेगड़े पैदा भी नहीं हुई थी और इस फिल्म में वो अपने से 25 साल बड़े हीरो की हीरोइन है। मैंने प्यार किया का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस फिल्म में भाग्यश्री उनके बेटे और उनके पति का खास रोल है, जिसे देखकर आप ताली जरूर बजाएंगे। अब आप ये जानने को बेताब होंगे कि फिल्म में शहनाज गिल का क्या रोल है और क्या वो अपने काम से इम्प्रेस कर पाई है। सच तो ये है कि शहनाज गिल, पलक तिवारी और मृणाली भटनागर के पास करने को कुछ था ही नहीं। उनका ना कोई घर है ना ही परिवार। जब भी गानों में उनकी जरूरत होती है उनकी एंट्री हो जाती है और फिर वो सीन से गायब हो जाती हैं। फिल्म में सतीश कौशिक भी हैं। उनके निधन के कुछ हफ्तों बाद उन्हें स्क्रीन पर देखना आपको इमोशनल कर देगा। उनके हिस्से जितने भी सीन आए हैं उन्होंने उसमें जान डाल दी है। उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से इम्प्रेस किया है। इस फिल्म में नॉर्थ और साउथ का संगम दिखाया गया है, क्योंकि फिल्म की हीरोइन पूजा हेगड़े हैदराबाद से हैं। उनके भाई के रोल में वेंकटेश जमे हैं। फिल्म में भूमिका चावला उनकी पत्नी के रोल में है। फिल्म में बॉक्सर विजेंदर सिंह भी हैं और उन्हें फिल्म में देखकर ऐसा लग रहा है कि सलमान खान ने सिर्फ उन्हें फिल्म में रखने के लिए उनका ये रोल लिखवाया हो। फिल्म का म्यूजिक बहुत ही लाउड है, जिसे कम किया जा सकता था। साथ ही बार बार आते गाने फिल्म की लय को बिगाड़ते हैं। फिल्म के गानों की बोल की तरह फिल्म के डायलॉग भी बहुत ही बचकाने और अटपटे हैं। इतने सारे किरदारों को लेकर बनाई गई ये फिल्म किसी किरदार के साथ जस्टिस नहीं करती है। तो अब सवाल ये है कि ये फिल्म देखें या फिर नहीं। अगर आप सलमान खान के फैन हैं और एक्शन फिल्में पसंद करते हैं तो अपनी फैमिली के साथ ये फिल्म एंजॉय कर सकते हैं।
इस फिल्म को मेरी तरफ से 5 में से 2.5 स्टार मिलते हैं। किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान ने फैंस को काफी इंप्रेस किया है। फैंस ने इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताया है। देखिए ये पब्लिक रिव्यू। सलमान खान जी को ईद मुबारक। विलन जगपति, आई लव यू सर। एकदम गुजबम आ गया, मतलब बोले ना सलमान खान इज बैक लाइक अ वांटेड दबंग में, बोल सकता हूं वांटेड दबंग। बहुत अच्छी भाईजान की मूवी, तो 5 में से 5 स्टार। क्या खास बात लगी मूवी की आपको? सलमान, इसमें क्या खास हो सकता है, सलमान बैक, सलमान लव फॉर सलमान नेवर एंड्स। और बाकी के कैरेक्टर्स की एक्टिंग कैसी? हाँ, पूजा और सलमान का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। और दूसरा एक्ट्रेस था कि भाग्यश्री और सलमान का इतने सालों के बाद साथ में आना, वो बहुत अच्छा लगा। कितने स्टार देंगे मूवी का? 4.5। मूवी बहुत अच्छी है, आफ्टर पठान बहुत अच्छी है। और इसका जो कुछ अच्छा, अगर कुछ नहीं लगा है तो वो उसकी स्टोरी, मतलब किसी पिटी है, कुछ स्टोरी में कुछ भी नया नहीं है। लेकिन जो नया है वो एक अच्छी चीज़ ये है कि बॉलीवुड एंड साउथ को मिक्स करके प्रेजेंटेशन किया गया है। तो फर्स्ट हाफ थोड़ा बोर था, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही बोर था, क्योंकि कुछ नया नहीं था उसमें। लेकिन सेकंड हाफ में जब साउथ एंड बॉलीवुड को मिक्स किया गया तो इंटरटेनिंग था। बहुत अच्छी भाईजान की मूवी, तो 5 में से 5 स्टार। एक्टिंग किसकी ज़्यादा अच्छी लगी आपको? एक्टिंग सलमान भाई की। और किसकी? और बाकी के कैरेक्टर्स की एक्टिंग कैसी लगी आपको? अच्छी थी। कितने स्टार देंगे सर? 5 स्टार। सुपर हिट ब्लॉकबस्टर। सलमान खान की एक्टिंग और कैरेक्टर्स भी हैं? आई थिंक सलमान खान ये मूवी अलग लेवल पे ले गए हैं। अभी तक तो बिल्कुल सुपर हिट देते थे, अब तो बिल्कुल ब्लॉकबस्टर है। आई थिंक ऐसी मूवी आज तक बनाई नहीं है, तो बहुत ही मजा आया। रियली एंजॉयड। कितने स्टार देंगे आप? ये तो फुल 5 स्टार, फुल मार्क्स। आई थिंक इतनी बढ़िया एक्टिंग और इतनी बढ़िया स्टोरी लाइन, बहुत मज़ा आया। स्टोरी भी एकदम परफेक्ट बनाया है सलमान जी ने, जो हमको ईद का गिफ्ट दिया है। सलमान जी को ईद मुबारक। मूवी अच्छी है, बढ़िया है, मतलब लविंग एक्शन है सब, मतलब थोड़ा चेंजेस है लाइफ मूवी में, अच्छा बनाया है और अच्छा चलेगी ओवरऑल। सलमान खान की एक्टिंग के बारे में? एक्टिंग, सलमान खान एक्टिंग वॉज गुड, इज लुकिंग गुड, नाइस गाय, मतलब सब एक्टर्स, सब हीरो में से ये टॉप में दिख रहा आज भी, और अच्छा चल रहा है। सर, बाकी सब एक्टर्स की एक्टिंग कैसी लगी फिल्म में? बहुत सारे एक्टर्स हैं, कैसी लगी? नहीं है, दूसरों की एक्टिंग है पर इसकी एक्टिंग अलग है, इसकी मतलब अच्छा रहता है मूवी में। और सर, म्यूज़िक की बात की जाए तो म्यूज़िक कैसी लगी आपको फिल्म की? ना, म्यूज़िक अच्छी है, मतलब बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग इज ओवरऑल इज गुड। कितना स्टार देंगे सर फिल्म को? वही 5 to 5 स्टार हो जाएगा। हाँ मैम, ओवरऑल मूवी कैसी लगी आपको? ओवरऑल मूवी मुझे ब्लॉकबस्टर लगी। सलमान सर, वेंकटेश एंड चकू दादा, तीनों की एक्टिंग मुझे ज़बरदस्त लगी, ब्लॉकबस्टर है मेरे लिए तो। क्या और भी कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में, कैसा लगा आपको? भूमिका मैम भी हमारी निर्जरा है, उनका भी अच्छा परफॉर्मेंस है, बट इनका सलमान सर के साथ कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो अपने रोल में अच्छे कर रही है। बट पूरी मूवी में ना सलमान सर इज़ द बेस्ट, उन्होंने अपना बहुत अच्छा काम किया। सबसे बेस्ट वो लुंगी में आ गए, साउथ इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट किया, इतना रिस्पेक्ट किया, तो मेरे लिए तो अभी मेरे दिल में उनके लिए और ही ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। मतलब पब्लिक मतलब एक्सपेक्ट करती है कि साउथ कल्चर को देखने मिले, सलमान से पूरा साउथ यहाँ पे लेकर आए हैं, सो बहुत अच्छा लगा। रवि बासुर सर, आपकी जय हो, क्या म्यूजिक दिया है, क्या बैकग्राउंड स्कोर दिया है आपने, मूवी में अलग ही तड़का मसाला फ्लेवर लग गया है, बहुत अच्छा लगा देखकर। 5 out of 5 मेरी तरफ से, एंड फैमिली को लेके जो अच्छा फैमिली एंटरटेनमेंट। सलमान भाई ईद पे तो लेके आते मूवी, पता है ईदी देने, पर इस बार सलमान भाई ने राधे जैसी मूवी या ट्यूबलाइट जैसी या रेस्टे जैसी मूवी नहीं लाए। इस बार सलमान भाई ने जो पुराने हमारे सलमान भाई थे जो ईद पे लाते थे, वांटेड, दबंग, बॉडीगार्ड, वैसे पैकेज वाले सलमान भाई हमको यहाँ पे दिखने मिले। माइंड ब्लोइंग एक्शन पैक, कॉमेडी भी है हल्की फुल्की और एक्शन पैक, और सलमान भाई का स्वैग, मज़ा आ गया। मैसेज मतलब कैसे है? मतलब एक ऐसे बोल रहे थे वीरम पिक्चर की रीमेक है, पर उन्होंने वास्ते से कॉन्सेप्ट उठाया, बनाया अच्छी तरीके से। अब पहली बार तो बनाया किसी ने वो पता नहीं, क्योंकि फरहत साम जी को मैं डेडिकेट नहीं दूंगा, क्योंकि फरहत साम जी हाउसफुल 4 और ये भी बना चुके हैं बच्चन पांडे, पर मेरे को लग नहीं रहे कि, क्योंकि फरहत साम जी इतना साउथ का इतना परफेक्शन कहाँ से लेके आया मेरे को समझ में, इतना टाइम तो मिला नहीं रहेगा रिसर्च करने के लिए, तो मेरे को लगता नहीं उन्होंने बनाया। पर जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया, माइंड ब्लोइंग। विलन जगपति, आई लव यू सर। मूवी में और भी कैरेक्टर्स हैं तो कैसे लगा आपको उनका रोल? मतलब देखा जाए तो सलमान भाई ने कैरेक्टर बहुत लिए है, पर फोकस उन पे थोड़ा कम, उन पे मतलब 50% या 60% लिया है, 40% उन्होंने वेंकटेश्वर की फैमिली पे लिया है, क्योंकि साउथ के कल्चर दिखाने के लिए।
और जिस तरह से प्रेजेंट किया है साउथ का कल्चर बहुत मजेदार प्रेजेंट किया। म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक कैसे? रवि भास्कर की म्यूजिक कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो टाइट जब है सलमान भाई की एंट्री होती है जो टाइटल है किसी का भाई किसी का चैन का ट्यून मजा आ जाता है, जो इंग्लिश वर्ड में वो आते हैं ट्यून एकदम घुसबम आ गया, मतलब बोले ना सलमान खान इज बैक लाइक अ वांटेड दबंग में बोल सकता हूँ वांटेड दबंग। कितने स्टार देंगे सर? 5 में से 5 दूंगा मैं। अब देखिए मदलसा शर्मा का ये स्पेशल इंटरव्यू, उन्होंने बताया अनुपमा शो के कुछ आने वाले ट्विस्ट। तो सबसे पहले हाय मदलसा, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। हाय, थैंक यू। इफ्तार के बारे में क्या कुछ बताओगे? आज इफ्तार पार्टी थी, इतने सारे लोग मिले। एग्जैक्टली वेल बात करूँ तो अनुपमा को भी उतना ही प्यार मिल रहा है, क्या कुछ कहोगे? इतने वक्त से चल रहा है, लोग उतना ही कनेक्टेड फील करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू गेटिंग? ओके, कोई वियर्ड मोमेंट आप बताना चाहोगे? कोई फैन के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, समथिंग इफ यू वुड लाइक टू शेयर? एग्जैक्टली कैरेक्टर की बात करो तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपने आपके कैरेक्टर से इन पर्सन लिए हैं और जो आपको लेना पसंद है? एग्जैक्टली वेल पॉजिटिव और शेड्स की बात करो तो आपने दोनों शेड किया है इसी शो में, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और ऑडियंस की बात करो तो उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट भी की है। सो जब आप नेगेटिव प्ले करते हैं तो ऑफकोर्स वो भड़क जाते हैं, जब वो पॉजिटिव प्ले करते हैं वो प्यार करते हैं। सो क्या कुछ कहना है जब ये काइंड का रिस्पॉन्स आप देखते हैं? ओके, अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो
चलिए आज के एंटरटेनमेंट बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ, और देखना ना भूले हमारा एंटरटेनमेंट बुलेटिन। शुक्रिया।